नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी और दुखद खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बिहार से ये खबर है जहां पर टूटा है कुदरत का कहर। बिहार के 23 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के गोपालगंज में सबसे ज्यादा 13 लोगों ने दम तोड़ा है। मधुबनी में 8 और सिवान में 6 लोगों की बिजली गिरने से जान गई है। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है। बिहार के कई जिलों में गुरुवार को बारिश आफत बनकर बरसी है। तेज बारिश और हवा के साथ आकाशीय बिजली का कहर, जिसके कारण 83 लोगों की जिंदगी चली गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपनों को खोया है, इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। उत्तर बिहार सहित कई जिलों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार और शुक्रवार को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इन सब के बीच आकाशीय बिजली गिरने के कारण 83 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं यूपी के देवरिया और बाराबंकी में भी 9 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के, अफरा तफरी का आलम वहां पर, और जो पार्थिव शरीर है यकीनन बेहद दुखद अपने आप में बिहार के लोगों के लिए। आपको बताते चलें, अररिया किशनगंज जिले को बकायदा मौसम विभाग की ओर से रेड जोन में, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, ये तमाम वो जिले हैं जिनको ऑरेंज जोन में रखा गया था। जिस तरह की परिस्थिति कुदरत के कहर को देखते हुए बन रही थी, और लगातार बारिश उसके बाद आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की जान चली गई है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बाराबंकी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त न सिर्फ बिहार में 83 लोगों की जान गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी प्रकृति के प्रकोप ने कई लोगों की जान ले ली है। यूपी में 9 लोगों की मौत हो गई है इस आकाशीय बिजली के गिरने से। गोपालगंज 13 लोगों की गोपालगंज में जान चली गई बिहार के, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नवादा में और मधुबनी में 8-8 लोगों की जान चली गई है। कई लोगों के बुरी तरह से झुलसने की भी खबर सामने आई है। यहां पर पूरा आंकड़ा जो अपने आप में बेहद दुखद है, हम आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में 5 लोगों की, बांका में 5 लोगों की, भागलपुर में 6 लोगों की जान चली गई। अलग अलग हिस्सों से इस तरह की बेहद दुखद और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। सुजीत झा हमारे संवाददाता पटना से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अपने आप में बेहद दुखद, परिवार के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जैसी की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। 83 लोगों की जान चली गई इस आपदा के कारण, आकाशीय बिजली के कारण, बिहार के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल चित्रा, काफी दुखद खबर है ये बिहार के लिए। खासतौर पर आप देखें तो 83 लोग केवल आकाशीय बिजली गिरने से, लोग खेतों में काम कर रहे थे, अपने घरों में थे, और उस दौरान इस तरह से अचानक से बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई, और सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज में हुई है। हालांकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया और मृतकों की संख्या बढ़ती गई, तो ये हम कह सकते हैं कि 38 जिले हैं बिहार के, उसमें 23 जिलों में ये विपत्ति गिरी है, आफत गिरी है बिजली, आकाशीय बिजली की वजह से, और जिसकी वजह से इतने लोग की मौत हो गई है। हम ये बता दें कि कोरोना जो पिछले 3 महीने से कोरोना का जो चल रहा है, उसमें अभी तक 55 लोगों की मौत हुई है बिहार में, लेकिन एक दिन में आकाशीय बिजली से 83 लोगों की मौत हो जाती है। आप इसे समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे ये खतरनाक बात ये है कि अगला जो 2-3 दिन का जो समय है वो काफी भारी है बिहार के लिए, खासतौर पर उत्तर बिहार के लिए, क्योंकि रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और मूसलाधार बारिश होनी है। और ये जून का महीना अभी चल रहा है, जून के महीने में इस तरह का मंजर कभी देखने को नहीं मिलता था, जो इस बार देखने को मिल रहा है। हम अभी मौजूद है आपदा विभाग का जो ये कंट्रोल रूम है, और इसमें आकाशीय बिजली के लिए जो अलर्ट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें ये बताता है कि अलर्ट कहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने वाली है, और उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में 20 से 25 मिनट तक पहले ये खबर। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।